जय हिंद दोस्तों, जय शिव काली। कल जंग मोनास्ट्री के बरंदा में हमने टेंट लगाए थे। हालांकि उन्होंने मुझे बोला था गेस्ट हाउस में रुकने के लिए, तो मुझे लगा कि शायद बर्फबारी मिल जाए इसीलिए बाहर रुके थे। खैर जो भी हो, अच्छा खासा नींद आ गया। आज आगे चलते हैं। अच्छा लगा यहाँ पे आके रुकने का ना, काफ़ी अच्छा लगा। रात को नींद भी अच्छा आया था। अब मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ। छोटे छोटे सब लामा सब अपने अपने काम में बिजी हो चुके हैं और कुछ खेल रहे हैं। कोई खाना खाना हो चुका है लगभग सबका। और देखें इतना खूबसूरत सी वादियों में ये सब मिलके ना एंजॉय करते हैं। सो खेलते हैं, पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं। फिलहाल मैं चलूँगा इस तरफ। कल रात को भी बर्फबारी हुई है, वो पहाड़ी के ऊपर में भी दिख रहा है। इधर में भी काफ़ी, इधर में काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी हुई है यहाँ पे ना, इस चोटी पे इधर इधर। तो आई होप कि सिलाटॉप में भी काफ़ी बर्फ़ मिलेगा अभी। सो चलते हैं। अब ज़बरदस्त भूख लगी है तो थोड़ी सी मैगी खाएंगे और मैगी खा के फिर निकलेंगे। बस ने ज़बरदस्त प्रॉब्लम कर रखा है। पसने की वजह से बदन बहुत ठंडा पड़ रहा है अंदर से। तो कोशिश यही है कि पसीना कम से कम आया और थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं, बाकी सब ठीक है। बस यहाँ पे देखते ही देखते पूरी पहाड़ी बादलों पे छा चुका है। यहाँ पूरा अंधेरा हो चुका है, देख सकते हैं। आगे रास्ता कुछ दिखने वाला है नहीं, यहाँ तक है बस। तो थोड़ी देर यहाँ पे इंतज़ार करेंगे बादल छटने का, उसके बाद सोचेंगे। अगर दिक्कत होगी तो आज रात यहीं पे गुजार लेंगे। यहाँ पे थोड़ी बहुत लकड़ी भी है और थोड़ी सी मैं उधर से जंगल से लेके आऊँगा, फिर यहीं पे टेंट लगा के यहीं पे रुक जाएंगे। जाके यहीं पे रुके थे, 10 मिनट भी नहीं हुआ, 5-7 मिनट हुआ होगा। अभी जस्ट एक लाइव भी किया और अभी देखते देखते ही देखते पूरी पहाड़ी बादलों से छा चुका है। देखें अभी अभी कुछ देर वहाँ पे खड़े थे ना, उसके बाद निकले। अभी अभी चलना शुरू किया। यहाँ पे कुछ भाई बंधु आग ताप रहे थे तो सोचा हम भी थोड़ा सा सेक लें। और आग के साथ साथ धुआं भी सेक रहे। जिसमन कर ये भैया जी हमारे उधर के ही है ना, एमएम तराई। एमएम तराई आप लोग सब यहीं से? जंग के हैं। अच्छा जंग के हैं आप भी? जंग के हैं। अच्छा लगा थोड़ा सा ना, राहत मिल जाता है इतना ठंडी में जब आग मिल जाता है तो अच्छा लगता है। तो थोड़ा देर इसको सेकेंगे फिर निकलेंगे आगे की तरफ। और ज़्यादा दूर तक कहीं जाएंगे नहीं, पास में ही रुक जाएंगे। अगर बर्फ़ गिरी तो मज़ा आएगा रात को, दिन को तो गिरता नहीं है। क्रॉस करने के बाद जब नीचे आ रहे थे तब भी ये सब मिला था। अभी थोड़ा ज़्यादा हो चुका है, पहले थोड़ा कम था। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शीरा से ज़्यादा ठंडी यही वाला जगह है। इसी पॉइंट में ना बहुत ज़्यादा सब कुछ जमा हुआ मिल रहा है, देख सकते हैं। जहाँ जहाँ चारों तरफ बर्फ जमे हुए हैं, इधर इधर इसी पॉइंट में सबसे ज़्यादा बर्फबारी होती है। आज मैं कोशिश करूँगा उस ब्रिज के बगल में जो लोग रहते हैं वहाँ पर जाके रुकने का। अगर हो जाए तो कल शायद मुझे बर्फबारी मिल जाए। सो वाओ। तो अभी उस घर में कुछ एक आदमी मिला था तो मैंने उनसे थोड़ा बात किया। वो पहले मना कर रहे थे कि नहीं आगे चले जाओ, आगे कैंप है वहाँ पर रुक सकते हो। मैंने बोला नहीं, बर्फ़ तो इधर ही गिरेगा, बाकी कुछ नहीं होगा, मुझे थोड़ा सा एक रात के लिए एडजस्ट कर दीजिए ना। तो उन्होंने बोला ये झोपड़ी दिखा दिया, बोला कि इसके अंदर रुक सकते हो आज के रात के लिए। तो आज यहीं पर डेरा डालेंगे। सो चलते हैं, फिलहाल साइकिल के सामान को अनपैक कर लेते हैं और फिर नीचे चलते हैं। मेरा आज के लिए टेंट लग चुका है, अंदर लगाए टेंट। एक पुराना सा खंडर है और कोई यहाँ पर रहता था पहले, देख के पता चल रहा है ना, देख के ही पता चल रहा है। कोई मजदूर लोग जो काम करते हैं यहाँ पे वो रहते होंगे यहाँ पे। मैंने कुछ लड़कियाँ चुन के लाई हैं और यहाँ पे तो कुछ था। यहाँ पे कुछ ना पाइन के जो पत्ते हैं वो बिछा के रखे गए। सो यहाँ पे कोई रहता था तो मैं यहाँ पे अपना टेंट लगा लिया है। और फिलहाल दोपहर के 3 बज रहे हैं और देखे चारों तरफ बादलों से घिर चुका है, विजिबिलिटी एकदम डाउन हो चुका है। ब्रिज पास में ही है, हल्का फुल्का सा दिख रहा है।
ठंड जबरदस्त की ठंड लग रही है, दस्त की ठंड लग रही है। आई होप कि रात को थोड़ी गर्माहट मिल जाएगी इस खंडर की वजह से, झोपड़ी भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे आग जला लेंगे। बाहर थोड़ा भटकने गया था तो वहाँ पे दो बुटेन गैस का कैन मिला है, जिसमें लगभग दोनों में 20% 25% तक है गैस, उसको भी जला लेंगे आज, तो मेरा वाला का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। फिलहाल आग जलाएंगे। काफ़ी कोशिशें करने के बाद थोड़ी सी आग जल रही है, इसको थोड़ा हाथ धो सेक लेंगे ना। और उधर मेरे मैगी बन रहा है, आज खाने के लिए खास कुछ है नहीं, बस 5 पैकेट मैगी है। अभी तक 3:30 हो रहा है लगभग, तो भूख लगी है। अभी 2 पैकेट मैगी बना रहे, अभी इस 2 पैकेट मैगी को खा के थोड़ा देर रेस्ट करेंगे, फिर शाम को 6 बजे लगभग बाकी 3 पैकेट मैगी बना के खा लेंगे। यहाँ पे पानी नहीं मिल रहा है, तो नदी से पानी लेके आएंगे थोड़ी देर में, और उसी को गर्म करके खाएंगे। इसे एडवेंचर कहते हैं।